हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवैध निजी बसों के संचालन के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। रोडवेज कर्मचारियों ने शुक्रवार को अवैध निजी बसों के संचालन के खिलाफ यातायात पुलिस को ज्ञापन सौंपा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश है कि रोडवेज बस स्टैंड से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी में निजी बसों का संचालन नहीं किया जाए। इस आदेश के तहत रोडवेज कर्मचारी पिछले करीब 10 दिनों से अवैध बसों के खिलाफ अभियान भी चला रहे हैं, लेकिन निजी बस संचालक लगातार रोडवेज बस स्टैंड के नजदीक से ही बसों का संचालन कर रहे हैं। इससे रोडवेज का भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। इन निजी बसों के संचालन को हाईकोर्ट के आदेश अनुसार रोडवेज बस स्टैंड से 2 से 5 किलोमीटर दूरी पर करवाने और उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारियों ने DCP यातायात निर्मला विश्नोई को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पावटा सब्जी मंडी के आसपास पावटा ए रोड और रायका बस स्टैंड के पास अधिक संख्या में निजी बसों का संचालन हो रहा है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार इन पर अंकुश लगाए जाने की मांग की गई है। 2 से 5 किलोमीटर तक कोई भी अवैध गाड़ी प्राइवेट बस स्टैंड के करीब नहीं लग सकती और उसी के पावटा चौराहे पे सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हर आधे घंटे में एक गाड़ी खड़ी रहती है। वहाँ पे आधा आधा घंटे का गाड़ी का स्टॉपेज है और सवारियों को बस स्टैंड से वहाँ पे उनके लपके 10-15 लपके लगा रखे हैं, वो लेके चले जाते हैं। इससे हमारे रोडवेज को भारी नुकसान हो रहा है। तो हमने ACP साहब, DCP साहब, कलेक्टर साहब सबको नोटिस दिया है कि हमारे इस हाईकोर्ट के आदेश की पालना करवाइए। फिर भी अभी तक 10 दिनों से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ा है। पावटा चौराहे विशेषकर है, यहाँ से अवैध गाड़ियों का संचालन, जो नो पार्किंग जोन और नो एंट्री जोन में गाड़ियाँ आती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई के लिए प्रयासरत हैं। धन्यवाद। आज हम ट्रैफिक को ज्ञापन दे रहे हैं। आज हम ACP साहब और निर्मला जी मीणा जी को ज्ञापन, निर्मला जी विश्नोई को ज्ञापन देने आए हैं कि पावटा चौराहे से हमारे हाईकोर्ट की पालना करवाएं और हमारे रोडवेज राजस्व का बचाव करें। घनश्याम सिंह चंपावत, जोधपुर अध्यक्ष, जोधपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।